नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी द रॉक में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर घाटमपुर के पास में एक बहुत ही प्राचीन और रथ के आकार में बना हुआ मंदिर, जो कि कब बारिश होती है या कब नहीं होती है तो वो पहले से ही बता देता है। मतलब इस मंदिर में पहले से ही पता चल जाता है कि बारिश कब होनी कब नहीं होनी। मंदिर के ऊपर मूर्ति के ऊपर एक पत्थर शिला टाइप की कुछ बनी हुई है, उसी से पानी निकलता है। अगर जो पानी निकल रहा है, अगर जो बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इसका मतलब बारिश आने वाली है, या काफ़ी स्पीड में निकलने लगा, तेज निकलने लगा, तो उससे पता चलता है कि हाँ तेज बारिश होने वाली है। तो मेरे जस्ट पीछे ये मंदिर है, इसी को अभी हम दिखाने वाले हैं अंदर से। और मेरे साथ मेरा भाई है जो यहीं पर रहता है, तो और भी जानेंगे इसके बारे में कुछ। देखिए मित्रों, इस मंदिर का नाम जगन्नाथ मानसून मंदिर है। यह घाटमपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बेहटा बुजुर्ग नामक गांव में बना हुआ है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जैसा कि इसका नाम है जगन्नाथ मानसून मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति के ठीक ऊपरी छत पर 3-4 कुछ शिलाएं हैं। तो जब मानसून आना होता है तो लगभग उसके 15 दिन पहले से यहाँ से पानी निकलने लगता है। तो यहाँ बाकायदा शोध हुआ है, ये बात कोई किंवदंती नहीं है कि लोगों के कहे अनुसार बताया जा रहा है आपको, यहाँ शोध हुआ है और वो अभी तक ये नहीं पता चला है कि पानी का स्रोत क्या है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर बूंद बूंद पानी, हल्का पानी निकलता है तो ये समझिए इस मानसून वर्षा औसत होगी सिर्फ, और अगर पानी ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो यह माना जाता है कि वर्षा काफ़ी भारी मात्रा में होने वाली है, और ऐसा ही होता है। मित्रों, आप इस मंदिर के ऊपर देखेंगे शिखर में इसके गुंबद के एक चक्र लगा हुआ है, उस चक्र के ऊपर कई शोध हुए हैं परंतु आज तक शोधकर्ता यह नहीं जान पाए हैं कि असल में वो चक्र किस धातु का है। ना ही वो अष्ट धातु है, ना ही वो लोहा है, ना ही पीतल तांबा है। शोध जारी है, यहाँ पर कुछ गाइड हैं, उनसे हमें ये पता चला है। ठीक है मित्रों, बने रहिए हमारे साथ यात्रा में, हम आपको आगे भी नई नई जगह ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार यहाँ से चक्र देख सकते हैं, देखिए ऊपर। तो दोस्तों, ये आप चक्र देख सकते हैं, और अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर की शिलाएं भी, जिससे पानी टपकता है और मौसम का पता लगता है कि बारिश कब होगी। दोस्तों ठीक है, हमने देखा इस मंदिर के बारे में, बहुत कुछ जाना भी, तो मिलते हैं अगली।
ये दोस्तों आप शिलाएं भी देख सकते हैं, इन्हीं शिलाओं से पानी टपकता और बारिश का अनुमान लगाया।